बे ओए भतीजर कहीं के, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने इन गंदे हाथों से कार को टच करने की? अरे नहीं मैडम, वो ना मुझे कार खरीदनी है इसीलिए मैं देख रहा था। अगर शक्ल देखी तूने, कार खरीदेगा तू, चला जा यहाँ से वरना मार मार के लाल कर दूंगा। अरे भाई साहब ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं तो आपसे कार खरीदने की बात कर रहा हूँ और आप मुझे सुना रहे हैं। अबे ओए तूने अपना हुलिया देखा है, ऊपर से नीचे तक रिक्शा वाले जैसा लग रहा है तू, और बात कार खरीदने की कर रहा है। अबे ओए गाड़ी का टायर है ना तेरी शक्ल से ज्यादा अच्छा है, समझ गया कार खरीदेगा तू? साले तेरी औकात है कार खरीदने की, अपने दिमाग से ना कार खरीदने का ख्वाब निकाल दे, समझ गया? तुझे पता भी है इस कार की कीमत क्या है? 15 लाख रुपए। तुम जैसे लोगों के पास 15 लाख 15,000 भी हो ना तो बहुत बड़ी बात है। तो बेटा सबसे अच्छा होगा कि इस कार को खरीदने से बेहतर ना जाकर किसी रिक्शे के बारे में देखो, ठीक है? क्योंकि तुम्हारे लिए वही बेहतर है। अरे आप लोगों को तमीज नहीं है कि अपने कस्टमर से कैसे बात करते हैं? आपके मैनेजर ने आपको यही सिखाया कि आप मुझसे ऐसे बातें करो? अच्छा अब तू सिखाएगा कि हमें कैसे बात करनी चाहिए? अभी तो बात कर रहे हैं, ज्यादा बकवास करेगा ना तो मारेंगे अलग तेरे को। और हाँ सुन, अगर अपने आप को बेच भी देगा ना तब भी गाड़ी नहीं खरीद पाएगा क्योंकि तुम्हारी औकात ना रेडियो रिक्शा की रहती है, समझ गया? सुन बे, अगर तेरे अंदर जरा सी भी शर्म बची है ना तो एक काम कर, चुपचाप यहाँ से अपने आप चला जा, इससे पहले कि हम लोग सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलवाए और तुझे धक्के मार कर यहाँ से निकलवाए जैसे कि तेरी औकात है। मैडम एक तो आप लोग मेरा मजाक बना रहे हैं, ऊपर से आप मुझे इतना कुछ बोल रहे हैं, मैं चुप हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे कुछ भी बोलते जाओगे। बातें तो सुनो जरा इसकी, बातों से तो ऐसा लग रहा है कि नवाब साहब चाहते हैं कि ये आए और हम इनकी आरती उतारे कि सर आप हमारे शोरूम में आए, बहुत अच्छा लगा हमें। लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि हमारे शोरूम में ना सिर्फ और सिर्फ अच्छे कस्टमर्स को ही हम अच्छे से ट्रीट करते हैं, तुम जैसे भिखारियों की ना यहाँ पर कोई भी जगह नहीं है, समझ आई? हाँ सना बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, एक्चुअली में इनकी औकात पता क्या है, इन्हें फूलों की माला नहीं जूते की माला पहन के गधे पे बिठा कर सवारी निकलवानी चाहिए जैसा होगी। आप लोगों का ना हसियत ज्यादा हो गया है, मैं आपकी एक भी बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। और हाँ आज मैं आपके शोरूम से गाड़ी तो खरीद के ही जाऊंगा। हांस ठीक है जल्दी आ। सर ये लीजिए पैसों का बैग। ये लो पैसे, चेक करियो कहीं ऐसा ना हो कि नकली पैसे पकड़ा के चला जाए। इतने सारे पैसे? पैसे क्यों, इतने सारे पैसे देखकर चौंक हो गए क्या तुम? तुम्हें क्या लगता था कि मैं ये गाड़ी खरीद नहीं पाऊंगा? और क्या बोल रहे थे तुम, मेरी शक्ल से ज्यादा अच्छी तुम्हारी इस गाड़ी के टायर हैं। मैं तो यहाँ ये सोचकर आया था कि आज मैं एक कार खरीदूंगा, लेकिन तुमने मेरे कपड़े देखकर मेरा मजाक बनाया। तुम्हें शायद पता होना चाहिए कि कोई भी आदमी हो ना उसके कपड़े से जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आदमी का पहनावा उसके कैरेक्टर को नहीं दर्शाता। और आप लोगों ने मेरी इतनी सारी बेइज्जती की क्यों? क्योंकि मैं शांत रहा। और आपको पता होना चाहिए जितनी आप लोगों की महीने की इनकम है ना उससे ज़्यादा हम महीने में डोनेशन दे देते हैं। और हाँ आप लोगों को तो तमीज ही नहीं है कि अपने कस्टमर से कैसे पेश आना चाहिए। पता नहीं कैसे आपके मैनेजर ने आपको सीख दी है कि अगर कस्टमर हमारी दुकान में आए तो उससे कैसे पेश आए, उसके कपड़े को ना देखकर बल्कि उसकी बातों को सुने। और इंसान कपड़ों से नहीं पहचाना जाता बल्कि नेचर से पहचाना जाता है। और क्या कीमत इसकी बताई थी? 15 लाख रुपये। उससे ज़्यादा पैसे इस बैग के अंदर हैं, समझे तुम? आई एम सॉरी सर, हमें माफ़ कर दीजिए, हमने आपके कपड़ों के आधार पर आपको जज कर लिया, लेकिन आपने हमारी आंखें खोल दी। हम आपको वादा करते हैं कि हम अब किसी भी कस्टमर के साथ बदतमीजी नहीं करेंगे। यस सर, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपने आज हमें बहुत ही अच्छा लेसन सिखाया है, हम इसको हमेशा याद रखेंगे और ध्यान देंगे कि आगे से हम ऐसी गलती फिर से कभी ना करें। ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था। खैर छोड़ो, वैसे भी मैं यहाँ गाड़ी खरीदने आया हूँ और आप लोगों को ये सब देखकर एक सीख लेनी चाहिए कि कभी भी आपके दुकान में या आपके शोरूम में कोई भी कस्टमर आए तो उसे अच्छे से पेश आना चाहिए, ना कि ऐसे जैसे आप मेरे साथ आए, क्योंकि मैं तुम्हारे जैसा बिल्कुल नहीं हूँ कि आप लोगों को आपकी जॉब से निकलवा दूँ। लेकिन मैं आपसे यही उम्मीद रखता हूँ कि आगे से आप किसी के साथ ऐसा नहीं करेंगी। और हाँ मैडम, मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप आगे से ऐसा नहीं करेंगी।
जी सर बिल्कुल, एंड थैंक यू सो मच, आपने हमें माफ कर दिया। मुझे भी आपसे यही उम्मीद रही। ठीक है, अब गाड़ी का जो भी हो डॉक्यूमेंट्स वो कंप्लीट करवा दीजिए।